सोशल मीडिया पे एक बहस बहुत तेज से छिड़ रही है कि क्यों सपना चौधरी ने पवन सिंह के साथ होली खेली, खेसारी के साथ नहीं। बल्कि खेसारी के साथ तो सपना चौधरी की बहुत अच्छी जुगलबंदी भी है, ये दोनों ने कई स्टेज शो साथ में किए हैं, फिर होली क्यों सपना चौधरी ने पवन सिंह के साथ खेली। तो यहाँ पर ये जो बहस उठी है, जो लोग ये जानना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि इसमें पवन और खेसारी का या फिर सपना का कोई लेना देना नहीं होता, इस पे मेकर्स का लेना देना होता है। एक शो जब बनता है, एक शो जब ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसके पीछे उसके प्रोड्यूसर होते हैं, उसके क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो सारे लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेयर किसके साथ जाएगा। वैसे आपको बता दें कि खेसारी और सपना को कई बार लोगों ने देखा, तब जो मेकर्स थे उन्हें लगा कि इस बार कुछ क्रिएटिव किया जाए और सपना और पवन को साथ मिलाया जाए, और मेकर्स का यही फंडा इस बार चल निकला और ये दोनों का पेयर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन यहाँ मेकर्स ने ये काम अच्छा किया कि सपना और पवन सिंह को साथ लाए, जिससे कि कुछ फ्रेश जोड़ी की तरह कुछ फ्रेश चीज़ें देखने को मिले। लेकिन मेकर अगर ऐसा करते कि पवन के साथ काजल की या फिर स्मृति सिन्हा की या भोजपुरी की किसी भी अभिनेत्री की जोड़ी बनाते, तो वो रिपीट लगती। लेकिन इससे इस बार एक फ्रेशनेस आई है कि चलिए, एक बिहार का बाका छोरा है तो दूसरी तरफ हरियाणा की जान है, और ये दोनों एक साथ आते हैं तो स्टेज पर कितनी आग लगती है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छा और बड़ा ही सफल साबित हुआ है। इसके पीछे जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि सपना चौधरी खेसारी के साथ नहीं आना चाहती थी, वो पवन सिंह के साथ अपना शो करना चाहती थी, तो ये गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि खेसारी के साथ मेकर्स ने उन्हें अलग पेयर दिए, स्वीटी छाबरा के साथ खेसारी का पेयर बनाया गया, यहीं पर सपना चौधरी के साथ पवन सिंह का पेयर बनाया गया, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल शो होता नज़र आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस शो की डिमांड गोविंदा वाले शो से भी ज़्यादा की जा रही है। जी हाँ, लोग इस शो को देखने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, तो बिग गंगा पे आप इसे देख सकते हैं। और तो और, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि खेसारी के साथ सपना नहीं आना चाहती थी, तो ये अफवाह को आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि अफवाहों का क्या है, वो तो हमेशा ही उड़ती रहती हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।